नहर के किनारे किनारे चारों तरफ जो है वो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, यानी चारों तरफ जो है पेंट पुचारा किया जा रहा है, पॉलिश मारा जा रहा है कि हम जो है नहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। लेकिन महोदय, जब सौंदर्यीकरण करना ही है तो इसका करिए ना, यहाँ पर एक डिवाइडर बनाइए, यहाँ पर जो है वो घेर दीजिए इसको, कि अगर कोई गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार होती है तो वो इसमें ना जाए। जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर से गिरने के बाद लोग मर जाते हैं, तो शायद वो मरे ना, कम से कम वो जीवित रहे। बिहार का इंजीनियर तो बहुत बढ़िया बनाता है जी, आप लोग कैसे कर रहे हैं कमजोर? यहाँ का इंजीनियर जो है घूस पर पास हुआ है और घूस लेता है और ऐसा ही काम करता है। घूस ले काम करता है। हाँ, तब और क्या। बिहार के इंजीनियरों से मैं निवेदन करूंगा महोदय कि कम से कम जब आप लोग इसे पुल बनाइए ना, तो घूस ना लीजिए, घूस लेकर के इसमें जो है मटेरियल खराब ना लगाइए, जिसकी वजह से पुलवा जो है वो साले 2 साल में टूट जाए, और इसी तरह से जिस तरह पुराना स्थिति था उसी तरह से स्थिति इसका बना रह जाए। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के धारू रामपुर में, जो कि यहाँ पर एक पुल नजर आ रहा है। देख सकते हैं ये जो पुल है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है, जो कि काफी पुराना महसूस हो रहा है और काफी जर्जर भी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ से ये पुल की जो तमाम जितने भी ये हैं वो सब दिख रहे हैं, और इस पुल पर जो है वो चारों तरफ से देख सकते हैं, किसी भी तरफ से कोई दीवार और कोई भी डिवाइडर नहीं है। यानी कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप इधर से गाड़ी लेके आइए और इस पानी में कूद जाइए, कहीं ना कहीं इसको अगर रोक दिया जाता या फिर रोकने के लिए यहाँ पर अगर डिवाइडर लगा दिया जाता तो शायद यहाँ पर जो लोग आते हैं तो वो यहाँ पर गिरते नहीं बल्कि यहीं पर रुक जाते। कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि जो लोग आते हैं, जो गाड़ी से नए लोग आते हैं या फिर रात में जो लोग आते हैं, क्या वो इस पर पुलिया पर कभी कंट्रोल खो जाने की वजह से गिर जाते हैं कि क्या होता है। अच्छा चाचा, आप लोग इतने मौजूद हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? पवन जी, आप ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी लेकर आया और इस पुलिये में गिर गया? हाँ, कई ठे गाड़ी गिर गई। गिर जाती है? हाँ। गिरने के बाद उनकी स्थिति कैसी रहती है? दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना हो जाता है, जिंदा रहते हैं वो लोग? नहीं, कोई चला गया, मर गए वो उसी समय 1 घंटा के बाद। मतलब गिरे थे और वो मर गए, कब की बात है ये? करीब करीब 4 साल की बात है। वैशाख का टाइम में, मतलब कि जेठ वैशाख का टाइम था, गर्मी का उसी टाइम में गिरा। यहाँ से आए, गिरे और वो मर गए? मोटरसाइकिल यहाँ से घूमा, बस सीधे बेचारा चला गया। अच्छा, कब से ये ऐसा स्थिति है इसका? कब से क्या बोलेंगे, तो ये पहले से ही बना था, तो इंगल के था, इंगल अब टूट गया, तो इसको गोड़े गेड़ा था लेकिन गाड़ी ने धक्का मारते उलट गया। अब इसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अब आए हैं तो देखिए, देखभाल करिए इसको, अच्छा से बनाइए, नहीं किसी को इज्जत वास्ता मिलना चाहिए। एक काम अच्छी होना चाहिए कि मतलब दर्शकों के नजर में देखने में अच्छे लगे। चारों तरफ से जो चिकना हुआ बनाया हुआ है, ये कितने दिनों से बना? ये 2 साल से काम चल रही है। अभी अभी काम चलिए रहा है? हाँ, अभी काम चल रहा है, अभी दुधार से नीचे जा चुका है, आगे जाएंगे तो नीचे दुधार से। यहाँ भी छूटा हुआ है, देख लीजिए। हाँ, करेंगे। मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन उधर दिखाएंगे, नहर के किनारे किनारे चारों तरफ जो है वो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, यानी चारों तरफ जो है पेंट पुचारा किया जा रहा है, पॉलिश मारा जा रहा है कि हम जो है नहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। लेकिन महोदय, जब सौंदर्यीकरण करना ही है तो इसका करिए ना, यहाँ पर एक डिवाइडर बनाइए, यहाँ पर जो है वो घेर दीजिए इसको, कि अगर कोई गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार होती है तो वो इसमें ना जाए। जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर से गिरने के बाद लोग मर जाते हैं, तो शायद वो मरे ना, कम से कम वो जीवित रहे। और देखिए, इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, ये लोहे का ये जो है पूरी तरह से यहाँ पर ग्रिल लगाया हुआ था, ये जो है ये लोहे का ग्रिल था, जो कि समय के साथ, मैं दिखाना चाहूंगा, काफी पुराना है। कितने साल पुराना है ये लोहे? बहुत अंग्रेजे के जमाना का है ये सब जी, अंग्रेज जमाना का ही। उस समय के बाद इसका कोई देख रेख करने के लिए नहीं, नहीं, अभी आए थे, लेकिन पुल बना था, लेकिन इसको अभी देख रेख नहीं मिला है। अभी आज तक आए हैं तो अब देखभाल इसका मिल जाएगा जी, भरोसा हो चुका है। यानी कि लोग यही आते हैं, देख रेख करते हैं, देख करके जाते हैं और जा करके अपने महलों में सो जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इसी परेशानी में और इसी पुल के रास्ते से आते जाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब ये यहाँ से गिरते हैं तो शायद ये लोग जो है वो इतना घटनाग्रसित हो जाते हैं कि शायद ये लोग जीवित भी नहीं रह पाते। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे जितने भी पुल हैं ना, जितने भी ऐसे घाट हैं, पुल हैं, वो इस तरफ से। अच्छा, ये इतना दीवार जो है वो दीवार ये कब बनाया गया है, ये वाला दीवार? दीवार कम से कम, हम तो दो समय नहीं था, कम से कम 5 साल हो गए। सिर्फ इतना ही बनाया गया था? नहीं, बनने को तो यहाँ से वहाँ तक बना था।
लेकिन कमजोर दीवार तो कमजोर है इसका, कमजोर दीवार बनाया गया, कमजोर दीवार बनाया गया। यार का इंजीनियर तो बहुत बढ़िया बनाता है जी, आप लोग कैसे कर रहे हैं कमजोर? यहाँ का इंजीनियर जो है घूस पर पास हुआ है और घूस लेता है और ऐसा ही काम करता है, घूस ले काम करता है। हाँ तो और क्या, बिहार के इंजीनियरों से मैं निवेदन करूंगा महोदय कि कम से कम जब आप लोग इसे पुल बनाइए ना तो घूस ना लीजिए, घूस लेकर के इसमें जो है मटेरियल खराब ना लगाइए जिसकी वजह से पुलवा जो है वो साले दो साल में टूट जाए और इसी तरह से जिस तरह पुराना स्थिति था उसी तरह से स्थिति इसका बना रह जाए। अच्छा अच्छा क्या कहना चाहेंगे बिहार के इंजीनियरों के बारे में कि जो है मतलब किस तरह से ये लोग बना रहा है, किस तरह से ये लोग काम कर रहा है? अरे यही जो है ना कि सीमेंट बालू कम दे करके उसको जोड़ दिया गया, का तो बन गया, पैसा पास करके अपने घर लेके चला, घर चला गया जी। यहाँ पर आप लोग मर रहे लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। छोड़ रही है धीरे धीरे, कितना साल अब इसको ढाला हुआ? ये भी ढलाई छोड़ रहा है, छोड़ रहा है ना। चलिए दारा फट रही है कि नहीं फट रही है? कितने दिन पहले ये बना था? अभी कितना, दो साल भी हुआ? ये भी अभी दो साल हुआ, दो साल हुआ जी। ये ढलाई का मतलब ये उनको चेक कराइए, नेताजी आते हैं देखने, ढलाइए का चेक कराइए। नेताजी कौन नेताजी आए? ठेकेदार आते हैं, पैसा लेते हैं, जाते हैं, कौन उसको कोई बोलने वाला है? इंजीनियर आता है, इंजीनियर वो इंजीनियर भी इंजीनियर का हम लोग कब पते नहीं चला है कि आए हैं कि नहीं आए, लेकिन आई है तो उसको दिखाइए। देखे इंजीनियर को नहीं देखना चाहिए ये सब का हो रही है का नहीं हो रही, क्यों चीज के हो रहा है ये सब? मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ से कैमरा पर्सन अगर नजदीक से इस चीज को दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये दिख पाएगा कि देखिए अभी इस इसको बने हुए महज अभी दो साल भी नहीं हुआ है और ये दरार छोड़ रहा है। और गांव के लोग जानते हैं क्या कह रहे हैं, गांव के लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आज तक कोनो इंजीनियर अभी नहीं किया, हमने तो किसी इंजीनियर को नहीं देखा। मैं पूछना चाहूंगा कि जब ऐसा पुलवा बनता है तो उसमें इंजीनियर कहाँ चला जाता है? जब घूस लेने की बारी आती है, जब पैसा लेने की बारी आती है तो तमाम पदाधिकारी आते हैं, लेकिन जब इस तरह से जब काम करना होता है तो शायद कोई काम नहीं करता और अपना ठेकेदार साहब आते हैं। आधा घूस चाहिए, कोई काम में आधा अधिकारी को घूस चाहिए, क्यों कि काम नहीं करेंगे तो होता ही नहीं, ढलाई करे जाएंगे तो उसमें भी घूस, सब कुछ में घुसी चल रही, ऐसा जब आना ही चल रहा है क्या करेंगे? भगवान का दो है, कृपा है, जिसका जैसी मर्जी सरकार चलाए। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब कोई भी टेंडर पास होता है तो आधा तो अधिकारी लोग खा जाते हैं और जो बचा खुचा होता है वो निचले तबके के जितने भी कर्मचारी है वो खा जाते हैं। तो जनता के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आता है तो वही पुराना सब पुल और पुराना सा ऐसे ही रह जाता है जिस तरह पुराना था। और नेता मंत्री विधायक लोग जो आते हैं और यहाँ पर अपना जो है वो पॉकेट गर्म करके अपने महलों में सो जाते हैं, इंजीनियर साहब इसको निरीक्षण करने भी नहीं आते हैं, और ठेकेदार साहब कभी कभी आते हैं वो भी अपना जो भी है इसमें करते हैं कराते हैं और अपने पैसे लेकर के तो फिर का मरम्मत कराए सब चला, ऊपर से पुलिस मार के चला जाते हैं। अब फिर दूसरा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लौक रही है ना आपको, तो वो सुनने छुपाने वाली कौन सी है? दो मिनट रुकिए, आप गाड़ी से आ रहे हैं, आप इसी रास्ते से आते होंगे ना? कभी आप आते होंगे इधर, आपको डर लगता है जब इस पुलवा पे चढ़ते हैं सर? इधर कुछ है ये नहीं है तो लगता है। एक बाइक वाला इसी भिकिया से गिर करके यहाँ मर गया था ना जी, आप भी भिकी चला रहे हैं, डर लगना चाहिए, लगता है। क्या निवेदन करेंगे बिहार के नेताओं से? मैं निवेदन करूंगा कि एक भाई जो थे इसी तरह भिक्की लेकर के आए थे और इसी में गिर करके ऊपर चले गए थे, और एक भाई भी है ये भी भिक्की लेके जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमको भी उसी भिक्की वाले की तरह डर लगता है। मैं पूछना चाहूंगा कि इनके डर का जवाब कौन देगा, इन तमाम लोगों के डर का जवाब कौन देगा? निवेदन रहेगा मेरा यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से। ओके बाकी आज तक के लिए इतना ही, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।